हेलो दोस्तों, सिनेमा समर हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ब्रेड। और इस मूवी की शुरुआत दो बहनों पेट्यूला और टिल्डा से होती है, जो कि न्यूयॉर्क में एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होने के कारण ड्रग डीलर बन चुकी है। और एक दिन दोनों अपने कमरे में सारा माल गिन रहे थे और इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इसके कारण दोनों को वो सभी चीज़ें छोड़कर वहाँ की फायर खिड़की से भागना पड़ता है। इधर एक ट्रेन में टिल्डा अकेली बैठकर अपनी डायरी पढ़ रही थी और पेटियोला बाथरूम में अपने सप्लायर कोको से बातें कर रही थी, जहाँ पर कोको ने दोनों को सारा माल का पैसा 2 दिनों में वापस करने को कहा। और फिर इसी बीच ट्रेन का कंडक्टर वहाँ पर आकर पेटियोला से उसका टिकट मांगने लगता है, जो कि उसके पास नहीं था। तो फिर इसीलिए उस कंडक्टर ने 20 मिनट उसके साथ इंटीमेट होने के लिए दे दिए, जिसके बाद वो बिना टिकट इस ट्रेन में सफ़र कर सकती है। और फिर कंडक्टर से इंटीमेट होने के बाद में वो अपनी सीट पर आकर उसके नीचे एक च्युइंगम चिपका देती है। और कुछ देर में एक छोटे से शहर में उनका स्टेशन आ जाता है। उस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही एक भिखारी ने उन दोनों को पहचान लिया था, क्योंकि वो दोनों हमेशा वहीं पर वापस आती है। जिसके बाद में दोनों टैक्सी में सोचने लगी थी कि उनकी बचपन की अमीर और अनस्टेबल दोस्त डेफनी उसका स्वागत करेगी। दोनों उसके घर आकर डेफनी का लॉकर ढूंढना चाहते थे जिसमें उसके पैसे हों, जिसे निकालने के बाद में वो कोको को पैसे चुका दे। और ऐसा करने के लिए पेटुला ने कहा कि वो डेफनी के साथ एक गेम खेलेंगे, जिसमें पेटुला डॉक्टर और टिल्डा डेफनी की बेटी होगी। पेटुला की बातें सुनते टाइम टिल्डा को याद आया कि बचपन में भी वो तीनों ऐसे ही खेला करते थे और टिल्डा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद में कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण पेटुला ने कहा कि जैसा भी डेफनी चाहे उन्हें वैसा ही करना होगा, पर टिल्डा को ये भी मंजूर नहीं था। दोनों फिर अंदर आते हैं, जहाँ पर डेफनी गाना गुनगुनाते हुए बर्तन धो रही थी। वो टिल्डा अंदर आती है और उससे बातें करने लगती है, जैसे कि वो उसकी माँ हो। और फिर डेफनी भी अपने कैरेक्टर में खुशी से आ गई थी और वो टिल्डा से उसके दिन के बारे में पूछती है, जिस पर टिल्डा कहती है कि स्कूल जल्दी ख़त्म हो गया है और उसे अब भूख लगी है, जिससे डेफनी ने तुरंत अपनी नकली बेटी के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। इधर बाहर पेटुला डॉक्टर बन गई थी और अपने सेलफोन मेलबॉक्स में डाल दिए। उनके गेम के 3 रूल थे। पहला रूल, सबको एक गेम खेलना पड़ेगा। दूसरा रूल, बाहर का इंसान कोई भी उनके साथ नहीं खेलेगा। और तीसरा रूल कि कोई भी गेम छोड़कर नहीं जा सकता। यह किचन में डेफनी ने जैसे तैसे एक सैंडविच बनाकर टिल्डा को दे दिया था, जिसके बाद में उसने टिल्डा के बड़े नाखून देखे और उस पर चिल्लाने लगी। उसे फिर टिल्डा के दांत भी दिखे, जिस पर उसने टिल्डा को ब्रश करने को कहा, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जा रहे थे। और कुछ देर में डेफनी वापस आई और टिल्डा पर अपनी जगह से न हिलने पर उसे और जोर से चिल्लाने लगी और वो एक कैंची से उसके नाखून काटने आ गई, पर टिल्डा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि वो खुद ये सब कर सकती थी। अब इतने में पेटुला ने उनके घर की घंटी बजाई, जिसके मारे डर के टिल्डा पेटुला के पास मदद मांगने आई, पर पेटुला ने उसे चुपचाप अपने किरदार में रहने को कहा। फिर डेफनी ने डॉक्टर का स्वागत किया और जैसे ही टिल्डा अपने चेकअप के लिए बैठी, पेटुला ने डेफनी से कहा कि टिल्डा बिल्कुल ठीक है। लेकिन डेफनी ने मना करते हुए बताया कि टिल्डा को एक हफ्ते से खांसी है, जिस पर डेफनी को खुश करने के लिए टिल्डा जानबूझकर खांसने लगी। डेफनी ने आगे बताया कि टिल्डा की बॉडी में कुछ गड़बड़ है। तो पेटुला ने अपना नकली हथौड़ा निकाला और टिल्डा के पैर में मार दिया, जिससे नाखुश डेफनी ने उन्हें गेम का पहला रूल याद दिलाया। तो पेटुला ने फिर से असली हथौड़ा निकाला और टिल्डा को उसे मारने से पहले उससे माफ़ी मांगी, जिसके बाद में उसने टिल्डा के पैर में वो हथौड़ा मार दिया। और अब टिल्डा के पैर से खून आने लगा था, जिससे कि वो दर्द में चिल्ला रही थी। और ये देखकर डेफनी बहुत खुश हुई। इसके बाद में डेफनी ने डॉक्टर से टिल्डा की हाइट नापने को कहा, पर पेटुला उसकी टेप लाना भूल गई थी, जिस पर टिल्डा ने उसे गेम का तीसरा रूल याद दिलाया कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और रात को खाने में डेफनी ने फिर से फूलों का अजीब सा सूप बनाया और पेटुला और टिल्डा को वो खाने को देकर वो बाहर चली गई। यहाँ पर टिल्डा कुर्सी से बंधी हुई थी और उसने पेटुला से उसे नमक देने को कहा। जब पेटुला उसे नमक देने आई तो टिल्डा ने उसके कान में कहा कि उनका टाइम निकलता जा रहा है। और बदकिस्मती से पेटुला के कोई भी जवाब देने से पहले डेफनी ने वापस आकर पेटुला को गेस्ट रूम में जाने को कह दिया। पेटुला को गेस्ट रूम में लाकर डेफनी ने यह कहा कि उसका यहाँ पर रहना डेफनी को अच्छा लग रहा है। और नीचे टिल्डा को बहुत देर तक वो खाना देखने के बाद में ऐसा दिखने लगा कि वो कांच के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही है। अब उस रात को पेटुला की अचानक से नींद खुलती है और उसने देखा कि कोई उसके कमरे का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा कि वो टिल्डा है और पेटुला उसे देखने के लिए किचन तक आई, जहाँ पर उसने डेफनी को नींद की गोलियाँ लेते हुए देखा। फिर पेटुला ने पानी का गिलास लिया और जैसे ही वो जा रही थी तो डेफनी ने पेटुला को चाकू दिखाकर उसे धमकी दी और उसे वहीं पर रुकने को कहा। डेफनी पेटुला को एक मेल डॉक्टर मानती थी,
तो वो उसे किस करके अपने साथ इंटीमेट होने को कहने लगी, जिसके अगले दिन टिल्डा ने मेलबॉक्स खोलने की कोशिश की, लेकिन पेट्यूला ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने टिल्डा को भी गेम का कोई भी रूल न तोड़ने को कहा, जिससे कि वो पकड़े न जाए। फिर उसने टिल्डा को बताया कि डेफनी ने कल रात को उससे क्या क्या करवाया। दोनों इस बात को याद करके हंस रहे थे, लेकिन अचानक टिल्डा के इतनी दवाइयाँ खाने के कारण उसे फिर से चीज़ें दिखाई देने लगी और उसे बचपन की एक और बात याद आ गई। इससे जलन के मारे पेट्यूला ने भी एक गोली खा ली और टिल्डा को छोड़कर चली गई, जो कि बचपन में डेफनी के साथ लड़ रही थी। छोटी टिल्डा ने उनके साथ में खेलने को मना कर दिया और इस पर लड़ते हुए डेफनी को धक्का लग गया। डेफनी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर पेट्यूला और टिल्डा ने डिटेक्टिव सीगल से झूठ कहा कि डेफनी खुद वहां से गिरी है। डिटेक्टिव सीगल को जानना था कि डेफनी कैसे वहां से गिरी, तो पेट्यूला ने एक डॉल को सीगल के हाथ में गिरा दी उसे डेमो दिखाने के लिए। डिटेक्टिव सीगल को दोनों लड़कियों पर शक था, तो इसीलिए वो डेफनी का कमरा देखने आया और कमरे के बाहर से उसे डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी, जिसने डेफनी की दादी को बताया कि डेफनी ठीक तो है, मगर उसके पेट में बहुत चोट आ चुकी है, जिससे कि वो शायद कभी भी मां न बन पाएगी। अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर डेफनी अपना प्रेगनेंसी रिजल्ट देखकर बहुत खुश थी, लेकिन पेट्यूला पर अभी भी ट्रक का असर था, जिससे कि उसे एक लड़की अपना हाथ जलाती हुई दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि ये उसी का हाथ है, तो दर्द से पूरे घर में घूमती रही, जब तक उसे डेफनी के कमरे में पहुंचकर कार की चाबियां नहीं मिली। वो भागकर बाहर आई और टिल्डा से तुरंत यहाँ से निकलने को कहा, पर जैसे ही दोनों कार के पास पहुंचे तो डेफनी ने आकर दोनों को बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश कर दिया। अब नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन पर आ जाता है, जहाँ पर सीगल ने किसी से कहा कि वो डेफनी को संभाल लेगा, और घर में अब पेट्यूला और टिल्डा को होश आ गया था और उन्होंने देखा कि वो बालों की चोटी से बंधे हुए हैं और डेफनी अपनी दुनिया में पूरी तरह से खो गई है। वो इतनी ज्यादा खो गई थी कि वो दोनों को उसका बच्चा मान रही थी। उसने टिल्डा और पेट्यूला को हमेशा अपने पास रखने को कहा और इतने में घर की घंटी बजी और जैसे ही डेफनी ने दरवाज़ा खोला तो सीगल ने बताया कि पड़ोसी ने यहाँ पर लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है और इसे सुनकर उन्होंने कंप्लेंट की है, जिससे कि डेफनी ने उसे झूठ बोला कि वो बस उसकी नई दवाइयों का असर है। लेकिन सीगल को उस पर अभी भी शक था, तो वो वहाँ पर लीकेज का बहाना बनाकर अंदर आ गया, जो कि डेफनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उसने फिर से झूठ बोला कि उसे अभी भी अपने दादा दादी की अचानक हुई मौत का दुख है। डिटेक्टिव सीगल ने उसे सहानुभूति दी और पास में रखी एक किताब उठाई, जिस पर उसे डेफनी, टिल्डा और पेट्यूला की बचपन की फ़ोटो दिखी। वो सोच रहा था कि क्या ये तीनों अभी भी बातें करती है या नहीं, पर डेफनी ने बताया कि उसके दादा दादी ने उसे उनसे दूर रहने को कहा था, लेकिन डेफनी ने कभी भी उनकी बातें नहीं मानी, क्योंकि उसे लगता था कि टिल्डा और पेट्यूला बहुत समझदार हैं। डेफनी आगे कहती है कि इस दुनिया को उनके न होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जिससे कि सीगल का शक और बढ़ गया, क्योंकि पुलिस वैसे भी टिल्डा और पेट्यूला को कुछ टाइम से ढूंढ रही थी। सीगल ने पूछा कि डेफनी को कैसे पता चला कि वो दोनों गायब हैं, क्योंकि ये बात पब्लिक में आई ही नहीं है, और घबराकर डेफनी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। और जब सीगल को ऊपर कमरे से आवाज़ आई तो उसने सीगल को वहाँ जाने से रोक दिया और वह सीगल से बहस करने लगी। उसने सीगल से सर्च वारंट दिखाने को कहा, जो कि सीगल के पास में नहीं था, तो इसीलिए उसने सीगल को घर से निकल जाने को बोल दिया, जिससे कि हार मानकर वापस जाते हुए सीगल ने बताया कि डेफनी जिन दोस्तों को बचा रही है वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स है। जिसके बाद में डेफनी ने अपने घर को फिर से बंद कर दिया और दूसरी तरफ पेट्यूला और टिल्डा अभी तक लॉकर नहीं ढूंढ पाई थी। अब एक सुबह नाश्ते से पहले डेफनी ने टिल्डा को अपने हाथ धोने के लिए भेज दिया, जिससे कि वो पेट्यूला के साथ में अकेली हो जाए। फिर डेफनी उसके साथ में पहेलियों से बातें करने लग गई, जिसमें हिंट थे कि उसका लॉकर कहाँ पर हो सकता है। उसने आगे कहा कि अगर वो लॉकर मिल गया तो वो यहाँ से जा सकते हैं, और इससे कंफ्यूज होकर पेट्यूला टिल्डा की तरफ भागी, जो इतनी देर से उनकी बातें सुन रही थी। टिल्डा ने बताया कि वो पहले उन्हें लॉकर तक पहुँचाएगी तो उसे वो ढूंढना ही पड़ेगा, और डेफनी को अपने साथ रखकर उसने पेट्यूला को वापस से भेज दिया। खिड़की से पेट्यूला को तीन लड़की का छोटा सा स्टैचू दिखा और भाग कर उसके पास आई और उसके नीचे एक सुराग उसे मिल गया। उसे पढ़कर वो घर में आई और एक टूटी दीवार का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंची। फिर उसने एक कमरे का पर्दा गिरा दिया, जिससे कि उसे कांच पर एक सुराग दिखा। अब इस सुराग को देखने के बाद में उसे वो लॉकर मिला और स्टैचू, कांच और कैलेंडर पर बने हुए नंबर से उसने लॉकर को खोल दिया। अब आखिरकार डेफनी के सारे पैसे लेकर पेट्यूला टिल्डा के कमरे में आई।
जहाँ पर टिल्डा ने अपनी डायरी में लिखा था कि डेफनी पेटुला को भागते टाइम पकड़ लेगी। टिल्डा को चिंता थी कि डेफनी हमेशा टिल्डा को पकड़ लेती है, मगर पेटुला अपने भागने के प्लान के लिए बहुत खुश थी, जिससे कि वो टिल्डा की चिंता नहीं देख पाई। अब उस रात को टिल्डा और पेटुला अपने सामान के साथ बाहर लिफ्ट मांगने आए, लेकिन कोई उनके लिए नहीं रुका और थककर पेटुला ने टिल्डा पर उसकी मदद ना करने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अब दोनों की बहस करते टाइम डेफनी कार से वहां पर आती है और पेटुला को टक्कर मार देती है। फिर जब पेटुला को होश आता है तो वो खुद को व्हीलचेयर पर बंधा हुआ देखती है और फिर डेफनी उन्हें बताती है कि उसका उन दोनों को छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है। फिर पेटुला को उस कमरे में ले आती है जहाँ पर टिल्डा एक पिंजरे में बंद थी। डेफनी आगे बताती है कि अचानक उससे वो रात याद आ गई जब उसने अपनी दादी को जहर दे दिया था, क्योंकि वो जबरदस्ती उसके लिए केयर टेकर रख रही थी। अब वो पेटुला को सजा देना चाहती थी। वो चाहती थी कि पेटुला एक बड़ी सी स्माइल करे और इसके लिए उसने पेटुला का मुंह काट कर एक बड़ी सी स्माइल बना दी, जिसे डर से टिल्डा बस देखती रही। यहाँ पर स्टेशन वाले भिखारी ने सीगल को बताया कि उसने पेटुला और टिल्डा को यहाँ पर आते हुए देखा है। और फिर अगले दिन डेफनी ने पेटुला और टिल्डा को बताया कि वो यहाँ से जा सकते हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। उसने फिर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनके चेहरे के निशान के कारण पुलिस अब उन्हें पहचान नहीं पाएगी। और फिर अचानक डेफनी को गुस्सा आ गया और उसने दोनों लड़कियों को अपने बच्चे के लिए कमरा साफ करने के लिए बोल दिया, जिस पर टिल्डा ने डेफनी को सच्चाई बताई कि डेफनी प्रेग्नेंट नहीं है क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती। डेफनी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने बच्चे को महसूस कर सकती है। तो फिर टिल्डा ने डेफनी से उसके बच्चे के पिता के बारे में पूछा, जिस पर डेफनी बताती है कि ये बच्चा डॉक्टर का है। और ये सुनकर टिल्डा अपनी हंसी नहीं रोक पाई, मगर दूसरी तरफ पेटुला ने खेल आगे बढ़ाते हुए डेफनी से कहा कि उसे तुरंत चेकअप की जरूरत है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरे रूम में पेटुला और टिल्डा डेफनी को बेहोश करके उसको ऑपरेशन करने जा रही थी, ताकि वो मेडिकल टूल्स की मदद से उसे मार दे। लेकिन दोनों को डेफनी को मारने से पहले ही डिटेक्टिव सीगल वहां पर आकर उन्हें रोक देता है। लेकिन सीगल की बदकिस्मती के कारण डेफनी को होश आ गया था और उसने सीगल की पीठ पर ही चाकू मार दिया। यहाँ पर टिल्डा ने भी उसका साथ दिया, लेकिन पेटुला बस उन्हें देखती रही। फिर डेफनी ने एक हथौड़े से सीगल को मारकर उसकी जान ले ली। और इसके बाद में तीनों लड़कियों ने मिलकर सीगल को गार्डन में दफना दिया और उसकी कार तालाब में फेंक दी। अब हम देखते हैं कि तीनों के शरीर के घाव नहाते गायब हो जाते हैं और बाथरूम में पेटुला गाना गाते हुए डांस कर रही थी और उसने अपने चेहरे को तब तक शेव किया जब तक कि उसके चेहरे से खून आना शुरू नहीं हो गया। टिल्डा और डेफनी अभी भी माँ और बेटी के किरदार में थी और टिल्डा ने फिर खड़े होकर बोल लिया और पेटुला ने भी उसका साथ दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे तीनों कोई नाटक कर रही हो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिल्डा बाहर खेल रही है और पेटुला और डेफनी उसे देख रहे थे। डेफनी उठकर वहां से चली जाती है तो पेटुला को लगता है कि वो अकेली है, जिससे कि वो भी उनके पीछे स्टेचू के पास आती है। और इतने में उनके सामने खून से भरा सीगल आता है, जिससे टिल्डा और डेफनी पेटुला को देखकर हंसने लगे और तीनों वापस घर में आ गए। बीच में पेटुला को वो डॉल दिखी जो कि उसने सीगल को दी थी और कंफ्यूज होकर पेटुला ने सीगल की कब्र खोदी और देखा कि वो खाली है। अब परेशान होकर पेटुला घर में आकर सोफे पर बैठी थी, क्योंकि उसे पता करना था कि सोफे के नीचे वही च्युइंगम है जो कि उसने ट्रेन की सीट के नीचे चिपकाई थी। पेटुला ने फिर देखा कि सोफे के नीचे बहुत सारी च्युइंगम चिपकी है और उसे वहां टिल्डा की डायरी भी मिली, जिसमें उसने अभी तक की होने वाली हर चीजें लिखी थी। डेफनी देखकर खुश हो गई कि उसे टिल्डा की डायरी मिल गई, ताकि उसे पढ़ने के बाद में पेटुला वहां से भागने का ना सोचे। डेफनी ने फिर बताया कि पेटुला हमेशा गेम के बीच में भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर खुद ही सब कुछ भूलकर वापस आ जाती है। उसने फिर पेटुला को अपना हाथ देखने को कहा, जो कि उसके भागने की हर कोशिश से कट जाता है। वो डरकर पेटुला ने टिल्डा को मदद के लिए आवाज लगाई, जिसने बाद में बताया कि ट्रेन से लेकर कोई भी चीज कभी असलियत में हुई नहीं है और ये बस किरदार में आने वाले गेम का हिस्सा था। टिल्डा ने उसे याद दिलाया कि उन्हें इस घर से जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है, जिसे सुनकर पेटुला रोने लगी थी। अब जब तक सच एकदम सामने आ जाता है, तो पेटुला ने भी टिल्डा का हाथ थाम लिया था। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में जो खिलौने वाली ट्रेन चल रही थी वो वही ट्रेन है जिसमें पेटुला और टिल्डा चढ़े थे। उन लड़कियों को पेंटिंग करने का भी शौक था और वो सीगल नाम के पेंट इस्तेमाल करती थे। फिर कुछ टाइम के बाद में हम ये देखते हैं कि उन लड़कियों ने फांसी लगा ली, किसी ने हाथ की नस काट ली तो किसी ने जहर पीकर खुद को मारने का फैसला कर लिया। लेकिन ये सब सिर्फ उनके एक ही गेम को खत्म करता है, जिसके बाद में बहुत टाइम गुजर जाता है और बूढ़ी डेफनी को बर्तन धोते टाइम घर की घंटी सुनाई देती है।
उसने देखा कि टिल्डा घर पर आई है, जो कि अभी भी उसकी बेटी के किरदार में है। जब डेफिनी टिल्डा और पेट्यूला छोटे थे तो वो घर घर खेलते थे, लेकिन बड़े होते ही उनकी इमेजिनेशन ख़त्म होने की जगह और बढ़ती गई और उन्होंने इसी कहानी को अपनी असली दुनिया बना ली। सिर्फ पेट्यूला ने इस गेम को रोकने की कोशिश की थी, मगर अपनी हर कोशिश के बाद वो भी इससे बाहर नहीं आ पाई और आखिर में उसने भी टिल्डा और डेफिनी का ही साथ दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी में तीन ऐसी लड़कियां हैं जो कि बाकी सभी लोगों की तरह बचपन में एक गेम खेलती थी, जिसमें डेफनी माँ का किरदार, पेट्यूला डॉक्टर का और टिल्डा उसकी बेटी का किरदार करती है। लेकिन वो इस गेम में इतना ज़्यादा खो चुके थे कि वो इस गेम से बाहर ही नहीं आना चाहते थे। वे पूरी ज़िंदगी इस गेम को ऐसा खेलते रहे जैसे कि यही उनकी दुनिया हो। उन्होंने बचपन में इस गेम को शुरू किया और बुढ़ापे के अंत तक इस गेम को खेलती रही। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। मूवी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।